बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमा यूनस और आप देख रहे हैं नजमा यूनस किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन बादामी चाप। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। हमने एक मुर्गी का चेस्ट पीस लिया है, इसको छुरी की मदद से चांपों की शक्ल में काट लेना है, फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए आधा कप हम दही डालेंगे, सुरकुटी मिर्च और पिसी हुई मिर्च हाफ हाफ टीस्पून डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, साबुत धनिया नहीं डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, उसको धनिया पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून डालेंगे, काली मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जीरा पिसा हुआ हाफ टी स्पून, पपाया पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे, पपाया पाउडर की जगह पे कचरी पाउडर भी डाला जा सकता है, सब्ज मिर्च कुटी हुई और लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ हाफ टी स्पून ऐड करेंगे इसमें, 1 लीमू का रस शामिल करेंगे, छोटी टोकरी की मदद से हम ऐड करेंगे ताकि बीज अंदर ना जाए, जूस अच्छी तरह से नीचे चला जाए। फ्रेश लेमन हमने लिया है 1 अदद, वन टेबल स्पून पिसे हुए बादाम हम ऐड कर रहे हैं, इसको हमने ग्राइंड किया है, बादामों का पाउडर 1 टेबल स्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून हमने ली है और सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून, इसको हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम बाद में लगाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही के अंदर तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम चिकन चाप को इसके अंदर मैरिनेट करेंगे। चिकन चाप को हमने अच्छी तरह धोकर इसका पानी खुश कर लिया था, अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे ताकि दोनों साइडों पे अच्छी तरह मसाला लग जाए। इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद फ्रिज के नीचे वाले आने में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। हमने इसको मैरिनेट करके 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसके ऊपर वाइट तिल लगाएंगे हल्के हाथों की मदद से, और कलवंजी भी लगाएंगे, इससे इसकी लुक में भी खूबसूरती आएगी और टेस्ट में भी इजाफा होगा। कलवंजी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। वाइट तिल और कलवंजी लगाकर हमने सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 चम्मच ऑयल हमने गरम कर लिया था, अब हम इसमें चाम को ऐड करेंगे, लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। कांडे की मदद से चाम को रखते जाएं फ्राई पैन के अंदर, 4 से 5 मिनट तक एक साइड हम फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह फ्राई होने के बाद बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और चेक करेंगे।
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। केचप और पुदीने की चटनी के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और इसको लाइक करने में कंजूसी मत करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।